क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन है, किसी को एग्जैक्ट रीज़न पता है? एग्जैक्ट या कुछ हल्का फुल्का अंदाज है कमेंट करो। कल क्रिप्टो के बारे में पनौती ने नाम लिया तो नश्तर लग गया। जब भी ये चाय वाला क्रिप्टो का नाम लेता है, दूसरा दिन क्रिप्टो डाउन हो जाता है। और पैसे कमाने के काफ़ी कम मौके हो जाएंगे। अभी कल मेरा भाई जीएसटी सीएसटी वो सब देख रहा था, तो सीतारमन का आवाज था, तो कुछ तो टाइट कर रहे हैं स्क्रू, टैक्स से बचे नहीं। जीएसटी के बारे में तो कानून सख्त हो रहा है टैक्सेशन पे, कुछ ट्रिक्स कि कोई बच ना पाए वैसे कुछ है, और टैक्सेशन भी बढ़ा रहा है। तो अगर पैसा कमाना है तो क्रिप्टो करेंसी गेमिंग, क्योंकि ये डीप स्टेट के हिसाब से है, तो ये सेक्टर में डीप स्टेट ज़्यादा फंडिंग करेगा, गेमिंग, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्पेशली हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड बैंक का ज़्यादा फंडिंग चालू हो गया है अचानक से, तो हेल्थ सेक्टर और कुछ इनके एजेंडा से लिंक्ड है। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट समथिंग एल्स, जो अभी यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकता है, तो आपको मालूम ही है सबको। तो इस केस में आदमी लोग के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पैसे कमाने के। बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट कमा नहीं सकता है, ट्रेडिशनल सेंस में, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें प्रॉफिट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन के साथ चारणे का भी प्रॉफिट नहीं होगा। अभी मेरा एक रिसॉर्ट वाला पहचान का है, तो रिसॉर्ट में जो पार्टीज होती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो उसका काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट है, 13 एकड़ का ज़मीन पे रिसॉर्ट है, तो रिसॉर्ट में ज़्यादा लोग नहीं भर सकते, पार्टी नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस है, और पकड़ा गया तो फाइन है, और बहुत सारे बुकिंग्स कैंसिल होते हैं। तो इतना बड़ा रिसॉर्ट है तो उधर धंधे का बूझ लगाया हुआ है। फिर जिम में मास्क पहन के एक्सरसाइज करो बोलते हैं, और जिम कभी चालू होता है कभी बंद होता है, तो जिम का जो मंथली फीस है, जो लोग फीस देते हैं, वो फीस क्यों देंगे जब तेरा जिम 20 दिन बंद रहता है, 10 दिन चालू रहता है, और सर्टिफिकेट लेके आ और मास्क पहन के एक्सरसाइज कर। तो नया नया नौटंकी चालू है, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूके में रिस्ट्रिक्शन हट रहे, ये पार्ट ऑफ क्या वो इनका जो साइकोसिस करके कुछ बोलते हैं वो है, रिलैक्स करेंगे, पहले बोलेंगे अरे जा रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, बाद में कुछ भी नहीं हुआ, नया ये हो गया, खतरा अभी तक बरकरार है, 2 मास्क पहनो 3 मास्क पहनो, फिर बोलेंगे सब कुछ ठीक हो गया, वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, फिर अरे नहीं नया वीरू आया, वापिस मास्क पहनो तो चल लो। तो ये मास साइकोसिस चल रहा है। और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ, इसलिए उधर रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स किए, बट जैसे ही लोग रिलैक्स होंगे ये वापस रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। इंडिया में तो कोई विरोध भी नहीं हो रहा, इसलिए इधर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं। और नौटंकी मतलब जिम में मास्क पहन के कौन एक्सरसाइज करेगा, तो जिम में जाने का बंद हो जाता है उससे लोगों का, और बीच में चेकिंग को आते हैं, अगर जिम करते समय किसी ने मास्क नहीं पहना तो जिम वाले को फाइन मारेंगे, बड़ा फाइन रहता है, तो इस केस में जिम चला भी नहीं सकता है, तो ये चलते रहेगा जब तक इसका मास्क हेल में विरोध नहीं होता है। और अगर ये लोग का प्लान है कि कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस बंद करने का, तो ये दूसरा कुछ तो लेके आएंगे। ये बात तो सही है कि ये लोग तुमको चैन से जीने नहीं देंगे, रोज़ तुम्हारा फाड़ेंगे। अभी ये क्रिप्टो मार्केट इतना क्रैश हो रहा है कि ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी, कि आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि कितना दिनों से नीचे नीचे जा रहा है, और अगर कोरोना चला जाता है
तो कोरोना के नाम पे जो मैसिव मनी प्रिंटिंग हुआ तो फंड्स नहीं आएंगे, मतलब जो पैसा छाप के आ रहा था वो क्रिप्टो में नहीं आएगा, और फिर मार्केट अप नहीं जाएगा। अभी ये जो क्रिप्टो मार्केट अप हो गया वो मोस्टली कोरोना की वजह से हुआ, क्योंकि एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग चालू थी, मेटावर्स में बूम आया, और अगर सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया, जो होगा नहीं क्योंकि ये लोग दूसरा कुछ तो क्राइसिस लेके आएंगे, तो मेटावर्स का हाइप चला जाएगा और फिर मेटावर्स टोकन में कुछ उछाल नहीं आएगा जो उछाल आया था, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज अप लाइक एनीथिंग। उसमें आएगा क्योंकि जो नया जनरेशन है वो वीडियो गेम और मेटावर्स में रहेगा, लेकिन जो पंप है, बुल मार्केट है, वो डिले हो जाएगा। तो अनसर्टेन टाइम्स है, और इनके नए नए सायप और नया नया फालतूगिरी चालू रहेगा, ये एंडलेस फालतूगिरी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम एंड सिस्टम दे रेगुलेट। जब बुल मार्केट चाहिए टैक बुल मार्केट आ गया, जब बेयर मार्केट चाहिए टैक, तो इनके उंगलियों पे है बुल मार्केट और बेयर मार्केट। जो एनालिसिस कर रहे हैं, जजमेंट लगा रहे हैं, मार्केट डजंट रन ऑन फंडामेंटल्स, इट रन्स ऑन बैंकर्स, कि उनको जब चाहिए बुल रन, उनको जब चाहिए बेयर मार्केट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट साइकिल्स या डेट साइकिल्स जो बोलते हैं। तो अभी ये फेड का चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट रेज होने वाला है, तो होने वाला है क्या, क्या हो चुका है? तो ये जो मनुष्य लोग आते हैं, चाय वाला, इकोनॉमिक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मनुष्य लोग जब भी टीवी पे आते हैं बुरा न्यूज़ रहता है और मार्केट क्रैश कराने वाला न्यूज़ रहता है, और ये लोग मतलब आर्थिक रूप से स्क्वीज भी कर रहे हैं, लोगों के काम धंधे चलाने नहीं दे रहे, ट्रैवल इंडस्ट्री का खोल के मार दिया। अभी मेरा फ्रेंड, मैं वीडियो में बोला था कि दुबई से आया, तो वो बोला एयर सुविधा फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे वो लोग को पता चलता है तो फॉरेन से आया, फिर तेरे घर पे आके नाक में काटी डालता है, तो और पॉजिटिव हो गया वो, तो कुछ भी तकलीफ नहीं है पर पॉजिटिव आया, वो सब मालूम है अभी क्या चलता है वो। तो इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग बंद करेंगे लोग, क्योंकि नाक में काड़ी कौन डालेगा, और अचानक सिचुएशन चेंज होता है, तो ट्रैवल इंडस्ट्री का स्क्वीजिंग चालू है, जिम इंडस्ट्री, हेल्थ एंड फिटनेस का स्क्वीजिंग चालू है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्क्वीजिंग चालू है, मतलब होटल विटेल, और ऑलमोस्ट देर आर नो वेज टू मेक मनी अनलेस यू आर इन क्रिप्टो और इन गेमिंग, प्ले टू अर्न गेम्स, वो सब उसमें छोटा अमाउंट आता है, और उसमें चल स्टेकिंग वो सब है नोड प्रोवाइडर, तो एक्चुअल टेक्निकल बिजनेस में काम करेगा जैसा मेटावर्स, गेमिंग, मतलब यही तीन चार अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें पैसा आने का चांस है, क्योंकि ये डीप स्टेट को चाहिए, बाकी रियल वर्ल्ड बिजनेसेस में पैसा नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करियर ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास, स्कूल कॉलेज तो बंद करके रखे हैं, दो तीन साल से जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग का साल वेस्ट हो गया है, इट्स एज गुड एज इट्स फेल, दे आर फेल। चलो दसवीं बारहवीं उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इंजीनियरिंग और कॉलेज मेडिकल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दो साल उसने एक्चुअल में पढ़ाई नहीं किया है और उसको आगे ढकला, तो वो अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं रहेगा, और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आंदोलनजीवी बन सकता है, यही करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसका सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि वैसे भी तुमको तो पैसे कमाने नहीं देंगे, तो तुम्हारे पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं है, तो आंदोलनजीवी बनना पड़ेगा, और उसके लिए ही बाप नेटवर्क, बाप डॉट टेक,
डाला हुआ है, तो इससे कुछ मुहिम चलाएंगे, कुछ एक्चुअली ये चाय वाले का खुर्ची जाना चाहिए क्योंकि बहुत परेशान किया है और परेशानी कमी नहीं कर रहा साला। तो वो जल्द से जल्द रिज़ाइन करे, ये सरकार गिरे तो कुछ बेनिफिट हो सकता है। मतलब चलो वैसे भी केओस आने वाला है, लेकिन ये रोज़ केओस ही ला रहा है, तो इसका सरकार गिर जाए तो मज़ा आ जाए। और आंदोलनजीवी हर एक को झक मार के होना पड़ेगा। अभी मैं आंदोलनजीवी बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये लोग ने डेढ़ दो साल से मतलब जो लॉकडाउन लगाया है, अगर विरोध नहीं किया तो ये चालू रहेगा। और इसके वजह से मैं इसमें आया आंदोलनजीवी में, क्योंकि ये लोग चैन से तुमको ना पैसे कमाने देने वाले हैं ना कुछ करने देने वाले, ये लोग रोज़ का तकलीफ़ लेके आएंगे और तुम चुपचाप तकलीफ सहो या फिर विरोध करो, ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। तो अभी ये आंदोलनजीवियों से जुड़ रहा हूँ मैं, और वेबसाइट और ये नेटवर्क करूँगा, नेटवर्क बढ़ाऊँगा, लेकिन इसके लिए मतलब आंदोलनजीवी पॉलिटिकल फ्रंट पे वो थोड़ा रिस्क भी रहता है क्योंकि अरेस्ट भी होता है उसमें। और बीजेपी जो पावर में आई, ये लोग ने सुपर आंदोलन किए, ये लोग रोज़ आंदोलन करते थे, दंगा फसाद करते थे और काफ़ी टाइम जेल में भी सड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पावर में आए। तो ये स्ट्रगल रहता है, ये एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे स्ट्रगल रहता है, जो हर कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि यू विल हैव टू गेट इन टू दिस, क्योंकि सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज स्क्वीज किए जा रहे हैं। तुम चलो नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, थोड़ा देर पैसा कमाते हो, बाद में सरकार उसको स्क्वीज कर देती है, फिर तुम तीसरा ढूंढते हो, फिर सरकार उसको भी स्क्वीज कर देती है। तो इनकम मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम कम होते जा रहे हैं। और जो ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पिरिचुअलिटी बोल रहे, स्पिरिचुअलिटी कैसे करोगे तुम जब तुमको स्पिरिचुअलिटी में जाओगे मतलब तुम टोचन से बच जाओगे, ऐसा नहीं है घर पे आके टोचन लगेगा, नाक में काड़ी घुसाएंगे, तो ये स्पिरिचुअलिटी सॉल्व नहीं करेगा। तो ये तो इमीडिएट फिजिकल लेवल पे अटैक है, तो तुम आँख बंद करके मेडिटेट नहीं कर सकते हो जब ये लोग आए तुम्हारे घर पे नाक में काड़ी डालने के लिए और टोचन डालने के लिए। तो देर इज़ एक्चुअली नो वे आउट, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट द सोल्यूशन, ऑफ ग्रेड लिविंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि ये लोग तुमको ऑफ ग्रेड लिविंग करने नहीं देंगे। किधर रहता है ढूंढेंगे, उधर आएंगे, टोचन लगाएंगे, नाक में काड़ी भी डालेंगे। तो एंड ऑफ द डे हर एक को आंदोलनजीवी बनना ही पड़ेगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, और मार्केट प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट, तुमने अगर सोचा कि तुम क्रिकेटर बनोगे, बैट्समैन बनोगे, और क्रिकेट लोग देखना बंद किया, उसमें से इंटरेस्ट चला गया और बैन हो गया समझ, तो तुमने जितने 10 साल क्रिकेट में डाले वो सब वेस्ट गए, क्योंकि वो जो तुम्हारा फील्ड है वो बैन हो गया। तो अभी फुटबॉल का आ गया, तो फुटबॉल में जो आएगा वो ऊपर जाएगा। कबड्डी जो चालू हुआ आईपीएल, हमारे इधर एक मेरे दोस्त का फ्रेंड है जो कुछ भी नहीं था, उसका करियर ज़ीरो था, लेकिन अभिषेक बच्चन का टीम में आया कबड्डी प्लेयर, सालों से कबड्डी खेल रहा था, कबड्डी को कमर्शियली ज़ीरो वैल्यू था, लेकिन अचानक कबड्डी का आईपीएल आ गया, वो करोड़पति बन गया। तो मार्केट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज आते हैं और वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं तुमने ये डिसाइड किया और तुम कैलकुलेशन करोगे और उसमें कुछ निकलेगा, क्योंकि मार्केट वो अपॉर्चुनिटी छीन लेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए तो ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। इट इज़ नॉट हु यू डिसाइड कि किधर से फ़ायदा आएगा, वो मार्केट प्रोवाइड करता है, और इसके लिए मार्केट पे नज़र और सिचुएशन पे नज़र देख के वो हिसाब से पॉलिसी
बना के या अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और यही एक इशू है कि कंटिन्यूसली सिचुएशन चेंज होती रहता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बदलती रहता है। और जो अभी का हालात है, और अज्यूमिंग कि ये हालात सेम रहेगा, अज्यूमिंग कि डीप स्टेट ये क्राइसिस अगर बंद किया तो दूसरा लेके आएगा, तो आंदोलनजीवी इज़ द पोटेंशियल करियर, मतलब क्या बोलते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी उधर है। और बाकी एआई वीआई है, लेकिन उसमें पढ़ाई काफ़ी है और हर कोई नहीं कर सकता है वो। मैं आम लोगों का बात कर रहा है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं ना गेमिंग में है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। चलो वो मेरे को अंडरस्टैंड होता है वो, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट इनफ टू मेक मनी आउट ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि पैसा वो कमाएगा जिसका वो गेम है। चलो उसमें गेम खेल के काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके यू कैन स्पॉट सम अपॉर्चुनिटीज़, बट अगेन इट रिक्वायर्स 10 to 12 hours ऑफ एट लीस्ट 8 hours ऑफ सीटिंग एट योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, और वही तुम्हारा लाइफ रहेगा काफ़ी टाइम तक। और उसमें तुम आखा दिन वेस्ट करने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तुम स्पॉट करोगे और शायद उसमें तुम गेन करोगे। और ये तो क्रिप्टो मार्केट जो नीचे जा रहा है, तो इसका एक्चुअल रीज़न पता चलना चाहिए, और पैसा छाप के कब आएगा उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा छाप के आएगा क्रिप्टो में आएगा तो अपना चांदी है, नहीं छापा पैसा और सरकार जो क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स को डरा रही है, और यूनाइटेड नेशंस अगर मिल के कुछ स्क्रिप्ट तैयार करते हैं क्रिप्टो रेगुलेशन का, तो समझो कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रह जाते पैसे कमाने के। तुम जाओगे किधर अगर ये लोग ने पूरा टाइटली रेगुलेट किया, तुम जाओगे किधर? तो देर इज़ नो एक्चुअली वे आउट, यू हैव टू फाइट इट बैक, क्योंकि वैसे भी तुमको ये लोग आर्थिक रूप से स्क्वीज करने वाले हैं। तुम जाओगे किधर? तुम ये लोग मतलब मार्केट काफ़ी टाइट कर रहे हैं टैक्सेशन, और इससे ज़्यादा उसमें इनकम अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, मार्जिन एकदम कम है। क्रिप्टो में है ज़्यादा मार्जिन, और क्रिप्टो में लोगों ने पैसा कमाया, करोड़पति बने, लेकिन ये लोग ने अगर उधर भी टाइट कर दिया तो पैसा कमाने के ऑलमोस्ट कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इतना टाइट हो जाता है वो कि कुछ कमा ही नहीं सकते, और फिर अपने को भी राशन का लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डिमांड करनी पड़ेगी।